नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ सूरत शहर के नामांकित चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री रूपिन भाई पच्चीकर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में उपस्थित है। रूपिन जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारा जो लाइव है वो है, अभी जो बजट आया है उसके रिगार्डिंग, मतलब बजट से किसको फ़ायदा है और कैसा रहा ये बजट, वो हम रूपिन भाई से जानेंगे। तो रूपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जो बजट हुआ है, बजट आया है, उसमें आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं कि बजट इस साल का, मतलब ये 2021 का कैसा रहा? वेल यामिनी जी, मैं ये मानता हूँ कि बजट जी जिस परिस्थिति में देश चल रहा है, जी खास करके COVID-19 का जो प्रकोप पूरे वर्ल्ड में था, जी उसमें इंडिया भी बाकत नहीं थी। बिल्कुल सर। और COVID-19 की असर इतनी हुई कि 4 महीना तो हमने लॉकडाउन किया। बिल्कुल। अभी 4 महीना कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई व्यापार नहीं चल रहा था, कोई उद्योग नहीं चल रहा था, कोई नौकरी पे नहीं जा रहा था। हम घर में बैठे बैठे काम कर रहे थे, वो भी काम मिले तो इस परिस्थिति में देश का अर्थतंत्र जो था वो स्तब्ध हो गया था। बिल्कुल सर, पूरा स्तब्ध हो गया था। व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, स्कूल, कॉलेज सब बंद। तो इस परिस्थिति में जब अर्थतंत्र स्तब्ध हो गया हो तो उसको फिर से रिवाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी 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 हम अपनी एक गाड़ी 3 महीना गैरेज में रख दें जी और बाद में उसको चलाने की कोशिश करें जी, तो दिक्कत होती ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इट इज लाइक दिस। या अर्थतंत्र जो है, अर्थतंत्र की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। कोई व्यापार उद्योग नहीं था, लोगों को किस तरह से कमाना वो मालूम नहीं था, और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो मालूम नहीं था। नौकरी चली गई थी कई लोगों की, तो और कई लोगों के पगार में कटौती हो गई थी जी। तो इस परिस्थिति में ये बजट को हमें मुलौनी उसकी करनी पड़ेगी। जी जी मैं जी। मानता हूँ कि ये बजट COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा बजट है। जी, क्योंकि निर्मला जी ने जो प्रेजेंट किया है, उसने सबसे बड़ी पहली बात ये की कि उन्होंने 800 मिलियन लोगों को खाना मुफ्त में दिया जी, कोरोना काल के दरमियान। आत्मनिर्भर भारत के लिए कोरोना काल में ही 27 लाख करोड़ जितने रकम उन्होंने देश में विविध क्षेत्र के लोगों को बांटी, चाहे वो लोन के तरीके से हो, चाहे वो ऐसे ही अनाज के तरीके से हो जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी कोरोना काल के दरमियान उन्होंने 5 मिनी बजट भी दिए। ये तो रेगुलर बजट है जी, जी, जी। उससे पहले 27 लाख करोड़ रुपया की मातबर रकम उन्होंने देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, बैठा करने के लिए दिया, वो सबसे बड़ी बात थी। जी, जी, जी। और एक बात भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत ने 2 वैक्सीन दुनिया को दी और 3 वैक्सीन प्रोसेस में है जी। तो भारत एक पहला देश है जिसकी वैक्सीन को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला है। बिल्कुल सर। अपनी वैक्सीन के का डिमांड 100 कंट्रीज में है। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसकी डिमांड 100 कंट्री में हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की वैक्सीन 100 कंट्री ने मांगी है, हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अभी तो 2 बार हुई है, बाहर पड़ी है, लेकिन 3 बाकी है जी। तो भारत ने ये दिखा दिया दुनिया को कि हमारी जो ताकत है वो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने की नहीं है, हमारी ताकत साइंस में भी है। हम मून पर भी जा सकते हैं और हम वैक्सीन भी बना सकते हैं। और ये वैक्सीन बनाने की वजह से पूरे वर्ल्ड में
अपने देश की इज्जत बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये अद्भुत कामगिरी करवा के रखी है। उन्हें इतना पर्सनल इंटरेस्ट दिया कि आप जानते हैं कि वैक्सीन की फैक्ट्री में खुद गए थे जी। तो ये बड़ी बात होती है। अभी ये जो बजट है, ये बजट में उन्होंने 6 पिलर रखे थे और 6 पिलर के आधार पे उन्होंने ये बजट पेश किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ध्येय है वो ध्येय अर्थतंत्र को फिर से खड़ा करने का है। तो उसमें सबसे पहली बात जो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट की है बजट में वो है हेल्थ सेंटर। हेल्थ बजट इस बजट में लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 137% बढ़ा है। बिल्कुल सर, तो बहुत बड़ी बात होती है ना। हाँ, हेल्थ सेंटर, क्योंकि हम मानते हैं कि जान है तो जान है, अगर मानवी जिंदा रहा हाँ, तो अर्थतंत्र आगे बढ़ेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो काबिल बनेगा। तो हेल्थ सेंटर में उन्होंने बहुत ही बड़े अमाउंट रखा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए इस बजट में 64,180 करोड़ रुपीस की फाड़ौनी की गई है, बहुत बड़ी रकम है। जी, इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 5 साल के लिए उन्होंने 1,41,678 करोड़ रुपया का प्रोविज़न किया हुआ है। मतलब स्वच्छ रहेगा भारत तो भारत तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए ये स्वच्छता की बात, हेल्थ की बात उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस बजट में पेश की है। दूसरा जो पॉइंट था वो भौतिक और वित्तीय पूर्ति का था। तीसरा लोगों की आकांक्षाओं पर था। चौथा मानव पूंजी के बारे में है। पांचवा नव परिवर्तन के बारे में है। और छठा न्यूनतम सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो बात है, ये 6 पिलर के ऊपर ये बजट यहाँ खड़ा हुआ है। वैक्सीन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपीस उन्होंने रखा है जी। भारत सरकार बहुत कॉन्शियस है कि हमारे देश की व्यक्ति मरनी नहीं चाहिए, तो वैक्सीन सरकार देने वाली है। तो 35,000 करोड़ जैसी मातबर रकम उन्होंने वैक्सीन के लिए रखी हुई है। अब जहाँ पे ये बात है कि भाई उन्होंने जो पहले 27 लाख करोड़ रुपया जो कोरोना काल के दरमियान देश के लिए रखा, देश की प्रगति के लिए, तो वो जीडीपी का 13% था। वो बहुत बड़ी बात है, पूरे जीडीपी का 13% जितनी रकम उन्होंने इस कोरोना काल में अर्थतंत्र को खड़ा करने के लिए रखी है, वो सबसे बड़ी बात है जी सर। तो मैं मानता हूँ कि ये जो बजट है ना, ये बजट को हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हम एक पूरे अर्थतंत्र को फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो उसी बेस पे मैं मानता हूँ कि बजट बहुत ही अच्छा है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो नाना प्रधान निर्मला सीताराम जी ने जो 2021 का जो बजट दिया है वो लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैसा का मूवमेंट होगा जी। अर्थतंत्र का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति काम करे, उसको पैसा मिले, वहाँ से वो पैसा से वो खरीदी करे तो व्यापारी कमाएगा, व्यापारी कमाएगा तो फिर से वो खरीदी करेगा। मतलब रूपी जो है जी, वो घूमता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को अर्थतंत्र कहते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूवमेंट ऑफ मनी के लिए इस बजट में उन्होंने जिस तरह से पैसा लोगों के हाथ में पहुंचे, इस तरह का जो बजट के प्रोविजन किए हुए हैं वो मैं मानता हूँ कि काबिले तारीफ है जी। तो आगे चलते हैं, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो है सूरत के नामांकित चार्टर अकाउंटेंट रुपीन भाई पच्चीगर, जिनसे हम आज बजट के बारे में बात करते हैं। बजट कैसा है, किस तरह का है और कैसा लोगों के लिए रहेगा।
तो आगे चलते हैं रुपिन जी, और हम बात करते हैं कि इस बजट में सूरत को क्या फायदा होगा। वेल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है कि भाई हम सूरत में रहते हैं तो सूरत के लिए क्या क्या है जी। स्वाभाविक है। तो मैं मानता हूँ कि सूरत के लिए बजट बहुत ही अच्छा है। जी सूरत इज अ सिटी ऑफ टेक्सटाइल एंड बिल्कुल सर, सूरत इज अ सिटी ऑफ डायमंड, बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों सेक्टर में, खास करके टेक्सटाइल सेक्टर में। इस बजट में एक ऐसा अनाउंसमेंट है कि सरकार पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। बिल्कुल जब 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क विद वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी के साथ बनाने जा रही है तो पूरे हिंदुस्तान में 7 बनेगा, तो सूरत तो टेक्सटाइल का सेंटर है, सेंटर है, तो इट बिल्कुल इज़ सर, अवर प्रिविलेज। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 7 में से 1 तो जरूर सूरत के लिए आएगा। आएगा, बिल्कुल अरे सर, इस जब आई वो होप आ आ गया, जाए। लेट अस होप सो, या पर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जी, फॉर फ्रॉम इनर ऑफ माई हार्ट आई विश कि सूरत को मिलना चाहिए, इट इज़ अवर प्रिविलेज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो टेक्सटाइल सिटी है, टेक्सटाइल इतने सारे लोगों को काम देता है। सबसे ज्यादा लेबर टेक्सटाइल में होते हैं, तो ये सब बातों को, क्योंकि अर्थतंत्र को वेगवंता बनाने के लिए ये सेक्टर ऐसा है जो छोटे छोटे आदमी को, वो जो छोटे लूम्स चलाते हैं, जी ये छोटे टेक्सटाइलाइजिंग चलाते हैं, इस सब के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि अगर मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा और वो सूरत में आएगा तो जी, सूरत की रौनक बदलने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बदल क्योंकि एक जाएगी। अर्थतंत्र जी आगे बढ़ेगा। टेक्सटाइल वाला कमाएगा तो वो सोचेगा कि भाई बाहर से जो आया हुआ है उसको रहने के लिए मुझे घर चाहिए, घर तो चाहिए, बिल्कुल वो रियल एस्टेट में भी काम लगेगा। जी इस बजट में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी प्रोविजन किए गए हैं और एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी प्रोविजन किए गए हैं। तो ये एफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो है, जो जी रियल एस्टेट में आएगा, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी इस बजट में बहुत अच्छी सुविधा है। मैं मानता हूँ कि अगर टेक्सटाइल पार्क यहाँ हुआ तो यहाँ सूरत का रियल एस्टेट बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। जी मतलब काफ़ी उसमें भी मतलब बढ़ोतरी आ सकती है। जिस तरह से अभी माहौल है, रियल एस्टेट का ऐसा माहौल हो गया है कि बहुत ही मतलब नीचे आ गया है उसकी जो हम क्या उसका अमाउंट की तरह बोलते हैं, तो लोगों को आज कुछ भी लेना है बट ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि वो ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में सब लोग आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप जो कह रहे हैं उसी तरह से जो प्लान चला तो ज़रूर रियल एस्टेट भी ऊपर आ जाएगा ऐसा लगता है। बिल्कुल, मुझे तो जी लगता है, क्योंकि अर्थतंत्र का मतलब यही है कि वो जो पैसा मेरे पास है। जी आज कई बार क्या हुआ है कि भाई मैं आज कोई खरीदी करने जाऊं और बाद में मेरे पास पैसा ना आए तो जी मुझे सेव करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, बचत करते रहता हूँ। बिल्कुल अभी क्या होगा, अभी तो दिखता है कि भाई टेक्सटाइल वाला आगे बढ़ रहा है, तो वो कमाएगा तो खर्चा करेगा, खर्चा करेगा तो वो पैसा छोटे छोटे लोगों के में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, उसका परचेजिंग पावर बढ़े तो नीचे नीचे अर्थतंत्र वेगवंता बनेगा। तो ये जो जो मूवमेंट ऑफ मनी है वो इस बजट से आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी जो बात है इस बजट में, खास करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत भार रखा है। उन्होंने बोला कि भाई इस बजट में 1,18,230 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। इतनी बड़ी रकम इंफ्रास्ट्रक्चर में आए हैं, इसमें खास करके रोड हाईवे उसके समावेश होते हैं। तो जब अपने हाईवे अच्छे बनेंगे, रोड अच्छे बनेंगे, रेलवे अच्छे बनेंगी, रेलवे के लिए भी उन्होंने एक ऐसा राष्ट्रीय रेल योजना बनाई है कि 2030 तक की अभी से प्लानिंग हो गई है। राष्ट्रीय रेल योजना में कितनी रेलगाड़ी बढ़ेगी, कितनी ट्रेन बढ़ेगी, वो सब बात मैं मानता हूँ कि बहुत ही अहम बात है। और उसमें भी उन्होंने रेल के लिए 1,10,055 करोड़ रुपया उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। तो ये पूरा सीन बदलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस और रेल के लिए मैं एक बात एक और बोल दूँ, क्योंकि आज जब कोरोना काल था ना, पहले पहले तो क्या होता था कि हम
कहते हैं कि भाई अभी ये मिल मजदूर है जो कामदार वर्ग है उसके लिए खाना का प्रोविज़न करना चाहिए हमें, तो हमने खाना का प्रोविज़न किया। सूरत शहर ने कई कॉरपोरेशन ने भी बहुत अच्छा काम किया, कलेक्टर ऑफिस ने भी बहुत अच्छा काम किया और कई सेवाभावी संस्थाओं ने भी बहुत अच्छा काम किया और इतने हजारों मजदूरों को खाना खिलाया। तो उसके बाद एक बात थी कि भाई मैं तो अपने वतन जाने वाला हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ अपने तंत्र हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब ने मिला के बहुत ही बड़ी संख्या में ट्रेन की प्रोविजन की। तो ये ट्रेन मजदूर को लेके अपने वतन गई, फिर कोरोना काल समाप्त होने लगा तो वही ट्रेन लेके आई। तो ये ट्रेन का जो प्रोविजन है, मैं मानता हूँ कि जो प्रवासी मजदूर है उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। जी सर। और तीसरी बात, ये प्रवासी मजदूर के लिए ये बात होती है कि आज समझ लो ये बजट में एक प्रोविजन ऐसा किया है, वन नेशन वन रेशन कार्ड। जी जी जी। ये बहुत छोटे लोग के लिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कोई रहता है और यहाँ आता है, चेन्नई से आता है, बेंगलोर से आता है, ये जो मजदूर आते हैं वहाँ का रेशन कार्ड इनके पास है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो यहाँ उसको रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़े, ऐसा प्रोविज़न अभी तक था। अभी क्या हुआ कि वन रेशन कार्ड की प्रोविज़न इस बजट में आई है, जिसकी वजह से जो आदमी कोई भी राज्य से आएगा सूरत में उसको नया रेशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ही रेशन कार्ड जो उनके प्रदेश में था वो वही राज्य में था वही रेशन कार्ड के ऊपर अनाज इसको यहाँ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल बहुत आम जनता के लिए सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि यहाँ आके भी मतलब वहाँ वो उनको जो फायदे मिल रहे थे वो जो भी वतन में जाएगा वहाँ उनको फायदा मिलेगा, यही होगा शायद, अनाज मिलेगा, राशन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोगों की चिंता क्या रहती है कि भाई मुझे सस्ता अनाज मिलना चाहिए, रेशनिंग कार्ड पे मुझे अनाज मिले तो कम भाव में मिलेगा, मुझे बाजार से लेना पड़े तो मुझे ज्यादा पैसा करना। तो ये जो प्रवासी मजदूर है माइग्रेंट वर्कर्स, उसके लिए बजट में रेलवे की सुविधा और वन नेशन वन रेशन कार्ड, ये दोनों बातें बहुत अहम रखती है और मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है। त्यार उसके बाद जो है वो पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसके प्रॉब्लम काफ़ी है, तो इस बजट में उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी प्रोविज़न है। और उन्होंने ये बोला है कि इस तरह से हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं कि ये बजट के हिसाब से 2.8 करोड़ घर में बिजली आएगी, घर में मतलब एक पांच व्यक्ति का घर है तो आप गिनो 10 करोड़ के ऊपर लोगों को बिजली, जो बिजली नहीं थी वहाँ बिजली आएगी। तो पावर सेक्टर इस सच सेक्टर की आज बिजली के लिए लोग तड़प रहे हैं, अंधेरा नहीं चलता है, अभी 21वीं सदी हम जी रहे हैं। तो ये जो लाइट का प्रोविज़न है, पावर का प्रोविज़न है, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और नाना मंत्री जी सीतारामन जी ने ये कहा है कि इससे ये पावर प्रोजेक्ट के हिसाब से 1.5 लाख यूथ को नौकरी मिलेगी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, 2 लाख 1.5 लाख लोग। और सोलर प्लांट, सोलर सेक्टर, क्योंकि आजकल सोलर की जो बिजली होती है वो बहुत सस्ती होती है, तो 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सोलर सेक्टर में होगा, ये बस सबसे बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत काफ़ी प्रोविज़न डाले हैं और ख़ास करके मैं तो ये कहूँगा कि LIC घर घर का, घर घर में हर एक परिवार में मुंह पे आया हुआ शब्द है। बिल्कुल सर, लाइफ इंश्योरेंस ऐसा बोल सकते कि हर घर में एजेंट है, ऐसा भी बोल सकते ऐसा भी हो सकता है। तो ये एजेंट है लेकिन आप देखो हर घर में इनके पास LIC की तो पॉलिसी होगी। अभी इस बजट में उन्होंने ये बोला है कि LIC का IPO आएगा।
मतलब LIC कैपिटल मार्केट में जाएगी और करोड़ों रुपया वो वहाँ से, क्योंकि कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में वो जाएंगे तो वहाँ तो लोग आजकल क्या देखते हैं कि भाई उसका शेयर के भाव बढ़ने चाहिए। आज मैंने 10 रुपये में शेयर लिया, कल उसका 100 हो जाए तो आई एम वेरी हैप्पी, राइट। तो वो वहाँ वो नहीं देखता कि मुझे उसमें डिविडेंड मिला कि नहीं मिला, वो देखता है कि मेरी कैपिटल कितनी बढ़ती है। तो इसका वो कैपिटल मार्केट का उपयोग इस बजट में हुआ LIC के लिए कि LIC का IPO आएगा। मैं मानता हूँ कि LIC जो भी अमाउंट का IPO लाए उसमें 10 गुना पैसा लोग भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे सर। एवरीबडी लाइक के भाई मुझे तो LIC का शेयर चाहिए चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक क्या किया था कि बाहर से जो कंपनियाँ यहाँ आके इन्वेस्ट करती थी, फॉरिन कंपनियाँ, उसका मैक्सिमम अमाउंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के 49% है। अभी वो अमाउंट बढ़ा के 74% की गई है। मतलब कोई बाहर की इंश्योरेंस कंपनी यहाँ आएगी तो वो टोटल 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो 74% वो वहाँ से लेके आएगी। तो इसमें फायदा तो देश का ही है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आएगी, वो इंश्योरेंस का बिजनेस करेगी, वो बिजनेस करने के लिए ही आ रही है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यहाँ नौकरी तो मिलेगी, फॉरेन के कंपनी आके यहाँ खुलेगी कोई भी काम बड़े स्तर में तो आज नौकरी तो मिलेगी ना, लगे यहाँ इंडियंस को, बिल्कुल सही बात, यहाँ का अर्थतंत्र में मनी मूवमेंट होगा, जरूर जरूर। वो भी इंश्योरेंस एजेंट आपने बताया LIC के ऐसे कई इंश्योरेंस एजेंट उनके भी हो जाएंगे जी। तो मेरा ये मतलब है कि ये मूवमेंट, इकोनॉमी के मूवमेंट के लिए ये सब प्रोविजन इस बजट में है। मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन नाना मंत्री ने बहुत केयर लिया है, उन्होंने बोला कि भाई 74% तक कोई फॉरेन कंपनी यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी खोल सकती है, लेकिन उसमें 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये सबसे बड़े हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो उसके आदमी को बिठा दे डायरेक्टर, क्योंकि वो तो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल होते हैं, कोई कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट हो, कोई चार्टर अकाउंटेंट हो, कोई लॉयर हो, कोई बैंकर्स हो, ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% होने चाहिए, ऐसा प्रावधान बाहर के आने वाले। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो बातें हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, उन्होंने इस बजट में जो बताई है ना वो बैंकिंग सेक्टर की बात है। हाँ जी सर, जी। वैसे तो लास्ट ईयर भी ये बात उन्होंने की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में एक्ट है उसमें कोई चेंज करना बाकी रह गया था, इसलिए शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा जल्दी नहीं हुआ था। इस दफ़ा उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के एक्ट में सुधार किया है और इसी वजह से अभी क्या होगा कि समझ लो एक आम आदमी, अभी तक क्या था 1 लाख रुपया FD में रखता है, बैंक नादार हो गई तो 1 लाख का कवरेज इंश्योरेंस उसको मिलता था। अभी इस वजह से ऐसा क्लियर हो गया कि भाई मेरी 5 लाख की FD है तो 5 लाख तक तो इंश्योरेंस कवर होगा। डैट मीन्स कि आप बैंक में 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 5 लाख अगर बैंक नादार हुई तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख तो देगी ही देगी, बिल्कुल सर। तो प्लानिंग तो हो सकता है ना, एक घर में 5 व्यक्ति है जी। हम 5 व्यक्ति के लिए 5-5 लाख के FD करते हैं तो 35 लाख सिक्योर हो गया। तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से बैंक अगर डर रहता है हर एक को कि हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमारी क्या सिक्योरिटी है, तो जब बैंक अगर कोई फंड में जाती है या तो बंद हो जाती है तो उनका पैसा सिक्योर है, ये बात है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, तो सिक्योरिटी बढ़ गई ना जी, बैंकिंग सेक्टर। नहीं तो अभी तो क्या होता था कि
अरे भाई वो फलानी बैंक अभी डूब गई, अभी तो काफी सारे बैंकों का ऐसा चल रहा है जी। तो ये जो लोगों में अविश्वास होता था जी, तो एक विश्वास का वातावरण पैदा करने के लिए ये DICGC उसको बोलते हैं कि FD के लिए इंश्योरेंस जी। तो FD के लिए इंश्योरेंस में 5 लाख तक का इंश्योरेंस अभी मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि इसमें है जी। ऐसे समय में भी जब कोरोना काल के दरमियान मैं लोग अपनी मिलकत सेल करने के लिए हिस्सा दे रहे, गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया है कि ये दरमियान, ये साल के दरमियान भी 1,75,000 करोड़ रुपया डिस इन्वेस्टमेंट से आएगा, मतलब सरकार की जो एसेट्स है उसका सेल करके आएगा। लेकिन उनको तो क्या है, इनको बात यह है कि वो जो ये पैसा आएगा वो लोगों के लिए उनको यूटिलाइज करना है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे काल में भी डिस इन्वेस्टमेंट करके 1,75,000 करोड़ जैसी रकम सरकार को मिलेगी जो लोगों के लिए काम लगेगी जी सर। दूसरी अभी जो बात है जो खास करके खेलों के लिए है, हाँ अभी तो उनके मुद्दे ज़्यादा चल रहे हैं खेलों के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि खेलों के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो भी सर बताइए आप किस तरह से अच्छा है, क्योंकि आज सभी जगह पे सिर्फ खेडूत और मतलब फार्मर की ही बात सब जगह पे चल रही है, और सब लोगों को ऐसा है कि खेडूत मतलब कि फार्मर को कोई फायदा नहीं हुआ है इस बजट से, तो ज़रूर सर आप बताइए कि इससे क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी MSP जो थी जी, वो जो मिलती थी इससे 1.5 करके 1.5 बढ़ा के MSP तय की गई है जी। तो उसको पैसा जो मिलता था इससे 1.5 गुना मिलना वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी डिमांड क्या है कि भाई मुझे मेरा प्रोडक्ट पे माल मैं जब देता हूँ तो उसका पैसा मुझे अच्छी तरह से मिलना चाहिए, इसलिए वो मिनिमम सेल प्राइस की बात MSP की बात कर रहे हैं। तो ये MSP में जो उसको 100 रुपया मिलता था उसकी जगह अभी 150 रुपया मिलेगा, ऐसा प्रोविज़न यहाँ एडिट किया गया है, और इसकी वजह से मैं मानता हूँ खेडूत की जो एक मूलभूत आशंका है कि भाई मेरा क्या होगा, ये वाइप ऑफ हो जाती है जी। दूसरी बात यह है कि 19-20 दरमियान कोरोना काल की बात करूं, उस दरमियान खेडूतों को विविध किसान योजनाओं के अंतर्गत 1,41,930 करोड़ खेडूतों को दिया गया है। अभी सुनो कि इस देश में खेडूतों को 1,41,930 करोड़ कोरोना काल में सरकार ने दिया जी, विविध किसान योजना की तरह, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी सर। और वो अमाउंट चालू साल में बढ़ा के 1,72,752 करोड़ खेडूतों को मिलने वाले हैं, तो मतलब इतने सारे अमाउंट खेडूतों को विविध योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं, तो मैं मानता हूँ कि सरकार खेडूतों के बारे में बहुत संवेदनशील है, सरकार चाहती है कि खेडूत आगे बढ़े, और माननीय प्रधानमंत्री तो काफ़ी बार बोल चुके हैं कि उसकी आय दोगुनी हो जाएगी बाई द एंड ऑफ 2024, तो वो होने वाली 110%, क्योंकि इनके बजट के प्रोविजन ही ऐसे हैं, इतना पैसा तो किसी सेक्टर ने नहीं दिया जितना खेडूतों को दिया हुआ है, क्योंकि अपना पूरा बजट समझ लो कि 2.5-3 लाख करोड़ का होता है, इसमें से 1,72,752 सिर्फ खेडूतों को, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि ये सरकार ने खेडूतों को बहुत ही ध्यान में रखते हैं,
इस्तेमाल करेगा, कितने इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सब बातें जो हैं उसमें मैं मत यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ये बजट शेड्यूल कर दिया है, क्योंकि इतनी रकम तो किसी के सेक्टर में नहीं आई है। तीसरी बात जो मैंने आपको वो बोली थी, वो वन नेशन वन राशन कार्ड की बोली, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसका लाभ 69 करोड़ पीपल को मिलने वाला है। अपनी आबादी कितनी, 135 करोड़, 69 करोड़ को ये राशन कार्ड का लाभ मिलने वाला है। तो ये भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, राइट जी। तो और उसका सबसे बड़ा लाभ तो मैं मानता हूँ कि सूरत को ही मिलने वाला है, क्योंकि सूरत में काफ़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मजदूर बाहर से आके, प्रवासी मजदूर आके यहाँ बैठ के काम करते हैं, कमा के अपने वतन पैसा ले जाते हैं। तो ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। और सूरत की बस्ती आप टोटल देखो ना, उसमें से 1/3 तो प्रवासी मजदूर की जी जी, और बढ़ती जा रही है। अभी भी लोग बाहर से आके यहाँ पे स्थायी हो रहे हैं, ऐसा भी अभी हो रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से। बिल्कुल सही बात है। और बहुत अहम बात जो एजुकेशन सेक्टर के लिए है, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बजट में 100 सैनिक स्कूल बनाने का प्रावधान है। मैं मानता हूँ कि डिफेंस सेक्टर में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आज देखो शस्त्र का उत्पादन हमने चालू कर दिया है। मैं जो मानता हूँ 2022-23 में तो हमारे शस्त्र एक्सपोर्ट होंगे। अभी तक क्या हो रहा कि हम लोगों से ले रहे थे, अभी ये होने वाला है कि अपना लोगों को ले रहे हैं। और यहाँ तो क्या अपना तो सूरत में तो LNG जो है वही सस्ता बना दी, वो बना दी, ऐसे तो कई मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होगी, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए सैनिक भी चाहिए, ट्रेन सैनिक चाहिए। तो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ये जरूरी है कि सैनिक ऐसे मिले जो देश के लिए अपने प्राण कुर्बान करने के लिए नहीं। तो ये सैनिक स्कूल एक अपने आप में अलग विस्तार है, स्कूल है, अभी तक स्कूल सैनिक स्कूल है, लेकिन 100 सैनिक स्कूल बढ़ेगी, इससे भी अपने देश के युवाओं के लिए सैन्य में दाखिल होने के चांसेस होंगे, ये भी बड़ी बात है। तो उसमें अगर सैनिक बन गए नेचुरली उसको पैसा अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट की नौकरी है वो भी, राइट। तो ये सबसे बड़ा। दूसरा एक 15,000 स्कूलों के लिए उन्होंने काफ़ी प्रोविजन किए, जिसमें स्मार्ट बोर्ड रूम और स्मार्ट मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो बनाया जाने वाला है, ऐसा 15,000 स्कूल के लिए यहाँ प्रोविजन है। और दूसरे 4 करोड़ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी के लिए उन्होंने सहाय की योजना रखी, मतलब 4 करोड़ विद्यार्थियों को इसमें फायदा मिलेगा, ये बहुत ही अहम बात है। एक दूसरी बात है कि ये ईयर 2021 ये दशक का पहला ईयर है। बिल्कुल सर। तो अभी जनगणना अभी चालू होगी, बिल्कुल जनसंख्या की गणना चालू होगी, तो ये पहली बार होने वाला है कि 2021 का सेंसेक्स सेंसस वो डिजिटल होगा। बिल्कुल सर, वैसे अभी डिजिटल हो ही गया है, पूरा डिजिटल होने में इतनी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मतलब अब काफी डिपर एक गणत्री आम जनता की गणती घर घर में जाके जो वो डिजिटल सेंसस हो, ये पहली बार हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात है जी। तो मैं मानता हूँ कि ये जो ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो तो अर्थतंत्र को वेगवंत बनाने के लिए ही है जी, ये मैं कह सकता हूँ जी। सर मुझे एक और पूछना था, जैसे मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी एक नया सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ किया गया है, तो क्योंकि हमारे जो दर्शक है उसमें सीनियर सिटीजन्स भी ज़्यादा है, तो उनका ये क्वेश्चन है कि हमारे लिए जो जो फ़ायदा है वो सर बताइए आप, सीनियर सिटीजन्स को इसमें क्या फायदा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जनरली सीनियर सिटीजन को ये चिंता रहती है कि भाई मेरा रिटर्न कब भरना है जी सर। तो ये सबसे बड़ी बात जो जाहिरात इस बजट में आई है जी सर, वो ऐसी है कि 75 ईयर्स
या उससे ज़्यादा के जो सीनियर सिटीज़न की उम्र है जी, और वो उसकी आवक पेंशन की और इंटरेस्ट ही है, मतलब बिजनेस में है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जी, लेकिन जिसकी आवक पेंशन की है और इंटरेस्ट की है जी, और उसकी आयु 75 या उससे ज़्यादा है तो उनको अभी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है जी जी। तो एक एग्जम्पशन उन लोगों को मिल गया है जी। ये बजट में उन्होंने बताया कि भाई आज तक जो हमारे एसएससी थे इनकम टैक्स के, मैं मानता हूँ कि जहाँ तक मोदी साहब नहीं थे वहाँ तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं थे। आज निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि लास्ट ईयर इस देश में 6.48 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, 5-6 गुना 10 गुना ज्यादा हो गया। तो ये एक 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 अपने आप में कॉम्प्लायंस भी बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो नेचुरली उनको भी एक ये बात है कि भाई आई एम विद गवर्नमेंट जी, मैं चाहे वो 100 रुपया टैक्स देता हो या 10 लाख देता हो लेकिन कुछ तो कंट्रीब्यूशन देता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है। दूसरा जो है तो इनकम टैक्स के बारे में अब बात नहीं है तो मैं थोड़ी एक इनकम टैक्स की बात कर लूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। वैसे इनकम टैक्स में कोई टैक्स में चेंज नहीं हुआ है, स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक बात क्लियर है कि आज भी 5 लाख तक की जो आवक है उसमें उनको टैक्स भरना नहीं है, वो ऐसा प्रोविज़न है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा रिबेट मिल जाती है जी। लेकिन अभी तक ऐसा था कि भाई इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के बाद 6 साल तक उसके गले पे तलवार लटकती थी कि मेरा असाइनमेंट हो गया, फिर भी वो रीओपन कर सकते थे जी। अभी 6 की जगह 3 साल कर दिए, मतलब कि 3 साल के बाद उसको रीअसेसमेंट नहीं होगा, रीओपनिंग नहीं होगी, उनका रिटर्न रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट नहीं, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं कर सकते। तो एक एक राहत रहती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो लोग क्या 6 साल तक वो उनका असेसमेंट सब हो गया, लेकिन वो 5.5 साल के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ये बोले कि नहीं उसका मुझे रीओपन करना है तो कर सकता था, अभी 3 साल से ऊपर होगा नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो मैं मानता हूँ कि इनकम टैक्स वाला जो प्रोविज़न है वो अच्छा है। दूसरा जो संवाद एंड विश्वास की स्कीम जो है, जो डिस्प्यूटेड रकम के लिए वो ये संवाद और विश्वास की स्कीम में जाते हैं तो उसमें काफ़ी उसके फ़ायदे हैं, वो जो है उसको एक्सटेंड किया गया है, ये मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है। और फेसलेस असेसमेंट की बात 2 साल से चल रही है जी। इसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स में अभी असेसमेंट के लिए अगर आपके पास नोटिस आई तो वो नोटिस को आपको ऑनलाइन ही जवाब देना है, बिल्कुल। कौन नोटिस आपको भेज रहा है वो आपको मालूम नहीं है और आप किसको जवाब दे रहे हैं वो आपको मालूम नहीं है जी। फेसलेस असेसमेंट, क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल, आपने रिटर्न फाइल किया जी, आपका एक नोटिस आया कि भाई आपका असेसमेंट मुझे करना है, क्योंकि स्क्रूटिनी में ऐसा आया है कि आपका असेसमेंट मुझे करना है जी, तो मुझे इतनी 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 विकेट दो। अभी वो इनकम टैक्स ऑफिसर चेन्नई से भी हो सकता है, बेंगलोर से भी हो सकता है, सूरत का नहीं हो सकता जी 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 जी। तो ये फेसलेस असेसमेंट था। फिर दूसरा स्टेप है कि फेसलेस अपील हो गई, अपील में भी उनको ये जरूरी नहीं है कि कौन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपका अपील सुन रहा है, वो फेसलेस था। इसमें एक तीसरा प्रोविजन आया, वो फेसलेस ट्रिब्यूनल की बात आई, दैट मीन्स कि अभी ट्रिब्यूनल में भी आप जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन जज साहब है कौन जो आपको जी, जो आप आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन करेगा ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन जवाब देना है। एट दी मोस्ट कोई ऐसी पॉइंट हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता है, लेकिन
आपको अभी अहमदाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। ट्रिब्यूनल में, यहाँ भी ट्रिब्यूनल है, लेकिन जी आज तक तो हम अहमदाबाद ज़्यादा जा रहे थे तो यहाँ भी ट्रिब्यूनल है। तो मेरा ये कहना है कि उसके सामने जाने की जरूरत, फेसलेस ट्रिब्यूनल आए। तो ये इनकम टैक्स का प्रोविज़न जो है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इनकम टैक्स में तो मैं मानता हूँ, फिर एक एक छोटी सा पॉइंट है डिविडेंड के बारे में। वो लास्ट ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स उन्होंने हटा दिया, लेकिन जो एसएससी है जिसको डिविडेंड मिलता है उसके हाथ में वो टैक्सेबल है। लेकिन कई बार क्या होता था कि भाई उसको डिविडेंड मिला नहीं, अनाउंस हुआ तो एडवांस टैक्स के लिए वो अमाउंट एडवांस टैक्स की गणना में लेके कई लोगों को पेनल्टी की गई। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन हुआ है कि अब एक्चुअल डिविडेंड आपके खाते में जमा होगा तभी वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, वहाँ तक मतलब एडवांस टैक्स के लिए उसकी गणना नहीं की जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि ये जो बात है, तीसरी एक बात टैक्स ऑडिट के लिए, जी लास्ट ईयर उन्होंने टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ की थी, वो 5 करोड़ से बढ़ा के इस साल 10 करोड़ कर दी है। मतलब 10 करोड़ का टर्नओवर हो उसको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक प्रोविज़ो है कि उनका 95% पेमेंट डिजिटली होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको ये लाभ मिलेगा। क्योंकि आप डिजिटल नहीं पेमेंट करते तो आपको नेचुरली ये फायदा नहीं होगा, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, राइट। सो ये जो है तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब बातें इनकम टैक्स के लिए है जो हम जरूर जी सर इसके लिए बात कर रहे थे जी। हाँ, तो वही सर यही बातें थी, बट जो मेजर जो मतलब कायदे में जो फेरफार हुआ है तो वो जो हम पॉइंट में सिर्फ बता देते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये हमने जो सभी सेक्टर्स के लिए बात की है, बट जो भी बात हमारी चल रही है कि आवक मेरा का जो कायदा है उसमें जो नए फेरफार हुए हैं उसकी शॉर्ट ब्रीफ हम 5 पॉइंट में दे देते हैं। हाँ, तो मैंने ये जो बताया ना तो वही पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स में एक बात है कि लोगों को अपेक्षा थी कि भाई जो 2.5 लाख की लिमिट है वो बढ़ा के 5 लाख के वो नहीं हुई है। हाँ जी। लेकिन 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं बना टैक्स है, नहीं बना वो तो चालू ही है। जी जी। मैं उसके जो बाद मिलते थे वो रकम तो आपको बाद मिलने वाली है रिबेट की तरह से। जी। बाकी इनकम टैक्स में कोई फेरफार नहीं, मैंने जो आपको बताया है वही फेरफार है। 75 ईयर ओल्ड पर्सन को, सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल नहीं करना है। वो टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ हो चुकी है, प्रोवाइडेड 95% इस पेमेंट इज मेड थ्रू डिजिटल डिजिटल फेसलेस ट्रिब्यूनल की मैंने आपको बात की। फिर आपको मैंने बात की कि भाई रीओपनिंग ऑफ केसेस में 3 साल किया गया, ये सब बातें जगह 3 साल किया। हाँ, गया तो यही यही जो बात है जो इनकम टैक्स के लिए बहुत अहम है और यही इनकम टैक्स का फेरफार है। जी, तो ये थी जो लास्ट हमारा जो पॉइंट था, जो इनकम टैक्स मतलब कि आवक वेरा में जो नए फेरफार हुए हैं उनके बारे में रुपिन जी ने बताया। काफ़ी सारी बातें इस बजट को लेके हमने आप सबको बताया कि जो पूरा बजट अगर नहीं आप देख पाए हैं तो यहाँ पे हमने शॉर्ट ब्रीफ आपको दे दी है। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ जानना है तो ज़रूर हमारे चैनल का संपर्क करिएगा और रुपिन जी का भी आप संपर्क कर सकते हैं, और कुछ भी जानना है तो आप ज़रूर जान सकते हैं। रुपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी तरह से आज बजट के लिए हमारे दर्शकों को बताया है, और लास्ट में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ना कहना चाहूँगा कि अभी हमें फिर से उठना है। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। आत्मनिर्भर भारत का जो डेफिनेशन है वो ऐसा नहीं है कि हम फॉरेन से अलुप्त हो जाएंगे, ऐसा जी, नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा
कि मोबाइल का प्रोडक्शन ज़्यादातर बाहर हो रहा था, अभी मोबाइल का प्रोडक्शन इंडिया में भी बढ़ रहा है जी, लेकिन उसके जो स्पेयर पार्ट है ना आज भी बाहर से आ रहे हैं जी सर। तो हम ये चाहते हैं कि उनके स्पेयर पार्ट भी इंडिया में बने, हमारे इंडिया में बने, तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक हम आत्मनिर्भर बने जी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे, तो अपने लोग तो खरीदेंगे लेकिन उसके साथ साथ फॉरेनर्स भी इंडिया की तरफ देखेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये अपनी फर्ज है कि हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर बने, ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स की खरीदी की जाए और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश की जाए, तो अपना इंडिया आगे बढ़ेगा, अपना भारत, भारत का एक नागरिक जिन्होंने कड़ी मेहनत से जो अपना इंडस्ट्री चालू किया है, उद्योग चालू किया है, व्यापार चालू किया है, उसमें आप सहयोगी बने तब भी भारत महान बन सकता है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये बजट में जो अहम है वो ये है कि ये पूरा बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ा है, हम उसका सहयोग करें। बिल्कुल सर, तो फिर से आप सब से मैं कहना चाहूँगी, आज हमारे साथ थे स्पेशल बजट की जो मतलब एनालिसिस जो बजट का ब्रीफ देने के लिए हमारे साथ थे सूरत के नामांकित चार्टर्ड अकाउंटेंट रुपीन पच्चीगर जी। रुपीन जी फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे ही हमारे साथ और कार्यक्रम में आप ज़रूर उपस्थित रहेंगे, और मिलते हैं फिर। हमारे चैनल देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वेबसाइट भी विजिट करिएगा। पूरा ये कार्यक्रम अगर आप यहाँ पे पूरा नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर आप यूट्यूब और वेबसाइट पे भी वापस देख सकते हैं। तो नमस्कार, एंड फिर मिलते हैं वापस, तब तक के लिए धन्यवाद।